और दोस्तों कैसे आप सभी, ये है Redmi Note 12 Pro एंड आपको लेना है या नहीं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्यों नहीं लेना है आपको फोन वो भी मैं बताऊंगा और कौन लेना है ये फोन वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये Note 12 Pro, क्योंकि Redmi Note सीरीज जो है वेरी पॉपुलर सीरीज है, सबके पास होगा, सबने यूज़ किया होगा इस फ़ोन को प्रीवियस वर्शंस। तो आपको अपग्रेड करना है या नहीं, अगर आप नया फ़ोन ये लेना चाह रहे हैं, लेना है कि नहीं, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो टिपिकल बेंचमार्क वाला, ये वाला वो वाला नहीं करेंगे हम, जैसे मैं यूज़ किया हूँ वैसे मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बात करेंगे इसका, तो Redmi Note 12 Pro ओके डिज़ाइन वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जो मैट फिनिश, ग्रेडियंट फिनिश, सटल कलर्स दिए हैं वो बहुत ही अच्छा दिखता है एंड आपको पकड़ने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, सॉलिड फोन लगता है हाथ में। एंड कैमरा मॉड्यूल भी एक तरह से नीटली मर्ज्ड विद द कलर, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। तो लुक वाइज एंड डिज़ाइन वाइज थम्स अप फ्रॉम मी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, ब्यूटीफुल डिस्प्ले मैं कहूँगा। तो बाहर सनलाइट में आप यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंड इंडोर में यूज़ कर रहे हैं तो दिक्कत है ही नहीं। तो फ्लूइड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर यूज़ किया गया है, बहुत ही बढ़िया दिखता है डिस्प्ले क्वालिटी। तो यूज़ करते जाएंगे तो वैसे ही लगेगा आपको कि मैं स्क्रॉल करता जाऊँ, यस वैसे इतना बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी इन्होंने बनाया है। इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़िया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी, तो बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है इस फ़ोन का, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तो आराम से आप 3 दिन तक इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, बैटरी परफॉर्मेंस हो। एंड इवन जो चार्जिंग है 67 वाट्स टर्बो चार्जर दिया गया है, तो बहुत ही फास्ट चार्ज होगा, तो आपको बैटरी वाइज कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव मुझे देखने को नहीं मिला है। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नोट सीरीज में आपको स्ट्रक हो जाता है सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, लेकिन इस नोट सीरीज में जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर, बहुत ही बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा परफॉर्मेंस वाइज। गेमिंग खेल रहे हो या फिर डे टू डे टास्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग हो, तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो डिस्प्ले वाइज, बैटरी कैपेसिटी वाइज एंड इवन परफॉर्मेंस वाइज Redmi Note 12 Pro बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मोबाइल खरीद करते हैं, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, तो पीछे का कैमरा जो है वो कैसा है एंड सेल्फी कैमरा कैसा है, राइट? तो यहीं पर ये फ़ोन नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसका स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 50 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी कैमरा जो इन्होंने बनाया है, यहाँ पर एक्चुअली 12 मेगापिक्सल का फोटो आता है, कैमरा ओपन करके क्लिक करेंगे ना वहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का फोटो मिलेगा। 50 मेगापिक्सल कब मिलता है, मोर पे जाके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, जब 50 MP करके क्लिक करते हैं वहीं पर आपको तब जाके 50 मेगापिक्सल फोटोस क्लिक होता है। तो 50 मेगापिक्सल का फोटो बहुत ही खराब आता है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही खराब है इसका Redmi Note 12 Pro का। जो IMX सोनी का सेंसर इन्होंने यूज़ किया है वो ठीक होगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम इन्होंने लिखे हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए वो बहुत ही ख़राब है। तो 12 मेगापिक्सल नॉर्मल कैमरा से जो क्लिक करते हैं वो कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जब आप 50 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करेंगे तो बहुत ही ख़राब फोटोस आता है, स्मर्जी स्मर्जी लुक आता है, पेस्टल टाइप जो पेंट करके दिखाए रहते हैं वैसे इसमें पिक्चर क्वालिटी आता है, बहुत ही ख़राब है। जब हम बात करते हैं 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, वो तो ना भी ठीक नहीं है, ओकेश है, देना है देना है, वैसे दिया है 8 मेगापिक्सल। जो ओवरऑल रेंडिशन है पोर्ट्रेट्स का तो ठीक ठाक लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया, ऐसे कुछ नहीं लगा। एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्फी कैमरा वो भी ठीक ठाक है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है आपको, इवन वाइट बैलेंस हो, कलर टोन्स हो, इतना ठीक नहीं आता है, ठीक से नहीं लेता है, एंड इसीलिए मुझे ये फोन रेकमेंड करने में बहुत दिक्कत होता है, राइट? एंड इसमें जो बोस्ट किए गए हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन है कैमरा के लिए वो ठीक है, इमेज एंड वीडियो स्टेबल शॉट आपको मिलता है, नाइट फोटोग्राफी भी अच्छे आते हैं, थोड़ा HD आरिश आता है नाइट फोटोग्राफी अगर आप लेंगे तो, वहाँ पर ठीक लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। लेकिन जब आप मेन कैमरा ओपन करके क्लिक करते हैं वहीं ठीक नहीं आता है, तो बाकी का क्या, राइट? तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, रेकमेंड करने में वही दिक्कत हो रहा है। Redmi Note 12 Pro आपको लेना है या नहीं, अगर आप Redmi Note 10 Pro, 11 Pro या प्रीवियस कोई भी वर्शन इसका यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपग्रेड मत कीजिएगा, यहाँ पर कोई मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको। Vivo देखिए, Vivo एंड Oppo में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा पिक्चर क्वालिटी वाइज, जो प्रीवियस फ़ोन्स है, पुराने फ़ोन्स है, उससे भी बहुत ही इंप्रूवमेंट बनाया है Vivo ने इमेज क्वालिटी वाइज, लेकिन Xiaomi वहीं का वहीं रह गया है, यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिलता है। तो एक कैमरा ओरिएंटेड फोन आप देख रहे हैं तो ये वाला मत लीजिए Note 12 Pro। अदर रिकमेंडेशन है डेफिनेटली Realme का SE 9 SE बहुत ही बढ़िया है, Realme 10 Pro है वहाँ पर, Samsung की तरफ से भी ये सीरीज M23 सीरीज, वो सारे चीज़ बहुत ही अच्छा है। दूसरे फोन्स लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए अल्टरनेट रिकमेंडेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इफ यस हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सिर्फ रिव्यूज चाहते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।